बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली के वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब, आज आप नवाबशाह आए। नवाबशाह आने पर आपने किसी भी मुंतखब नुमाइंदे से ना तो बात करना गवारा किया और ना उनको इन्फॉर्म किया गया कि कोई आके आपको शहर की सूरत हाल से मुतलक ब्रीफिंग देता, जिसका हमें बेहद अफसोस है। हमें अफसोस है कि आप आज चोरों की तरह आए और चोरों की तरह चले गए। आपने अपने ही अमले से ब्रीफिंग ले ली और शहरियों को नत्ता छोड़कर आप वापस चले गए। आपके शायद इल्म में नहीं कि पिछले 8 दिन से नवाबशाह के शहरी बिजली के लिए तड़प रहे हैं। उनके पास बिजली ना होने की वजह से ना तो पानी है पीने का, ना बर्तन धोने के लिए, ना बाथरूम में जाने के लिए, नहाना तो बड़ी दूर की बात है। शहर के 7 डिस्पोजल जो पानी की निकासी करते हैं वो बंद पड़े हैं। शहर में 35 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जो कि अभी तक एसी वापडा ने नहीं दिए। ये एसी वापडा हमें ये कहता है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है। जब परसों हमारे लोग वहां पे गए हैं और वहां पे आपके जो नीचे के अमले के लोग थे वो भी साथ थे, उन्होंने जब वहां पे जाके देखा है तो सैकड़ों की तादाद में पड़े थे जो को बिल्कुल न्यू थे। और ये हमें कहता रहा कि जी हमें हैदराबाद से आएंगे तो देंगे, हमें फलाना करना पड़ेगा, हमें फला फॉर्मेलिटी पूरी करने की, सवाए झूठ के। ये आपका एसी जो है रशीद साहब, इसने कुछ नहीं बोला, हमें गुमराह किया। शहर में 3-3 फीट देहातों में तो बहुत बुरा, शरे अल्लाह माफी दे, लेकिन हमारे शहर में भी 3-3 फीट पानी लोगों के घरों में खड़ा है। लोग इंतहाई कंपल्सरी की और अजियत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और आज आप आए हैं, फोटो सेशन किया है और आप चले गए हैं। हमें इस पे मैं शदीद एहतजाज करता हूं आपसे भी, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी इस हरकत का नोटिस लिया जाए। और जो ट्रांसफार्मर वगैरह पड़े हैं जिनकी वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं अभी अपने फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ, ट्विटर पे शेयर कर रहा हूँ, वो ताकि लोग भी देखें। और आपके ये जो आपने रखे हुए अपने करप्ट एसी यहाँ के वापडा के, उनको भी उनसे भी आप अगर हो सके तो पूछ गिछ कर लीजिएगा, अगर आपकी उनके साथ कोई ऐसी करप्शन में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। अगर आप भी उनके साथी हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप कोई एक्शन लें या नहीं लें, लेकिन हमारे शहर के लोग 8 दिन से इंतहाई कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप खुद को तो 1 घंटा किसी पानी वाले घर में या और बगैर बिजली के आप खुद को बंद करके देखें, आपको दूसरे गरीब का, आम आदमी का, मिडिल क्लास बंदे का किसी का एहसास हो। आप सिर्फ फोटो सेशन और ये ड्रामा आके सिंध में ना करें। आपको मुझे पता है कि आपके सिंध के लोगों का, अगर आपका यहाँ पे वोट बैंक नहीं है सिंध में तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आपको चाहिए था कि हम आपके इत्तेहादी हैं, आप एमपीएस को एमएनएस को जिस इलाके में भी जाए वहां के बुलाएं, उनसे पूछें कि क्या सूरत हाल है। आप अपनी मिली भगत आपके अमले की करके और आप ये सिस्टम को चला रहे हैं, इस तरह हुकूमतें की जाती हैं, ये आप हमारे दुखों का मदावा करने आए हैं। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है और मैं ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।